के साथ ऑन मिर्च मुंबई। जैसे ही बजट अनाउंस हो रहा था सेंसेक्स गिर रहा था, इसकी क्या वजह होगी या देयर इज नथिंग टू वरी? मेरा विरान सेंसेक्स का बजट के आने जाने का कोई ज्यादा संबंध नहीं है। यस जी पूरा, अगर आप देखें तो सेंसेक्स के अंदर बजट के दिन पे 850 का उतार चढ़ाव हुआ था, बट होते हुए थोड़े 150 पॉइंट सेंसेक्स नीचे बर्क हुई थी कल 23,000 पे, बट ओवरऑल मार्केट में स्टेबिलिटी देखी गई। अच्छा, इनकम टैक्स स्लैब में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं? नहीं, इनकम टैक्स में चेंज नहीं हुआ, ओनली के जो लोअर कैटेगरी में है 2.5 लाख के नीचे जिनका इनकम है उनका एग्जेंप्शन 2 से 5 हजार बढ़ा के किया है, बाकी इनकम टैक्स स्लैब को उन्होंने टच नहीं किया गया। अगर आप देखें तो एक चीज है अनडिस्क्लोज इनकम, जैसे ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट बोलती है अच्छा काम करो, आप अच्छे प्रोफेशनल बनो, आप साफ डन रखो, डोंट कीप ब्लैक मनी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम निकाला है अनडिस्क्लोज इनकम स्कीम, उसके तहत गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपके पास अगर काला धन है, ब्लैक मनी है, तो आप आज आओ, आगे हमको बोलो आपके यहाँ ब्लैक मनी है, कोई भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नो मनी विल क्वेश्चन यू, आप आओ, वो 100 रुपीज से आपका काला धन डिक्लेयर करो, उसके ऊपर 45 रुपीज 45 रुपए टैक्स भरो, एंड उसके बाद आपका वो धन सफेद हो गया। तो प्रत्येक 100 रुपए पर 45 रुपए सरकार ले। यस, यू आर एन एनसाइक्लोपीडिया, आई मस्ट से दैट मुंबई पूरा बजट इनके जबान पर है, दैट्स व्हाई आई हैड केप्ट हिम एज माय फाइनल एक्सपर्ट, डिसीजन गलत नहीं था। मेरा बिरानी अगली किताब जल्दी से लिख दो, बस चलते चलते लेट मी हैव वन और टू एक्सपर्ट कमेंट्स ऑफ मेरा बिरा, कि आपके हिसाब से इस बजट की सबसे अच्छी बात क्या है? मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात जो है जो बजट का डायरेक्शन है, आई थिंक जो फिस्कल कंसोलिडेशन का बात किया है, जो आपने बोला कि इंटरनेशनल में भी प्रॉब्लम था, तो वो सब प्रॉब्लम को रख के भी बजट ने 3.9% का जो फिस्कल डेफिसिट है वो टारगेट को अचीव किया है, प्लस प्रोग्रेसिव बजट है, ऑल्सो मिडिल क्लास और फार्मर्स के लिए जो बजट में प्रोविजन है, तो आई थिंक ओवरऑल बजट ने सबको खुश किया है, तो आई थिंक दैट इज पॉजिटिव फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर। दैट्स मेरा बिरानी, मेरा विल कीप इन टच, एंड हमारी निगाहें आपके आने वाली किताब पर लगी पड़ी है, जब भी तैयार हो जाए मेरे को बताना। यस जीतूराज, किताब तो चल रही है, और जैसे मैंने लास्ट टाइम बात किया था, लास्ट ईयर जब मेरा मैन मनी जर्नी लॉन्च हुआ था तभी आपके साथ आया था, आपके शो में बात किया था, आपके बहुत दर्शकों ने कॉन्टेक्ट किया था, सब किताब पढ़े, सबने उसका तारीफ किया, वो बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला उसके ऊपर अभी एक फिल्म का बात भी चल रहा है, और अभी थोड़े टाइम में उसका कास्टिंग भी होने वाला है, तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग सबने आपका आवाज सुना है और सबने आपके आवाज को प्यार किया है, तो कभी आपका मेरा एक सपना था आप कभी मेरे पिक्चर में एक रोल करोगे तो सबको आपका चेहरे का भी दर्शन होगा, सबको मेरा भूख पड़ी गए होगा, भूख पड़ी गए हमारे जमीन पर, मेरा भी और रॉकस्टार, पर मेरा आपने मेरे को लाइव एक फिल्म का रोल ओवर किया है, रेडियो मिर्ची वालों खबरदार। थैंक यू मेहराब, दैट इज सच अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू जी, लव यू मेहराब।